हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट फर्स्ट का एक पोर्शन है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स देख रहे थे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखा था। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स से कौन से डेरिवेटिव्स बनते हैं और डाइसैकेराइड्स भी हम इसी पार्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव से। मोनोसैकेराइड से जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं ग्लाइकोसाइड, शुगर एसिड, शुगर अल्कोहल और अमीनो शुगर। अब हम एक एक डेरिवेटिव जो मोनोसैकेराइड से फॉर्म होता है उसको डिटेल में देख लेते हैं। ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड होता है जब एक हेमी एसीटाल एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है तो उसे हम एसीटाल कहते हैं। अब अगर यही हेमी एसीटाल शुगर का होता है और वो एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है तो उसे हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हो, हेमी एसीटाल ने अल्कोहल के साथ में रिएक्ट किया और क्या बना दिया, ग्लाइकोसाइड बना दिया। ग्लाइकोसाइड कब बनते हैं, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन का एक कंपाउंड के साथ में दूसरा जो कंपाउंड है उसके साथ में रिएक्ट करता है। दूसरा कंपाउंड ज़रूरी नहीं मोनोसैकेराइड हो। अब यहाँ पे ये जो हमने अल्कोहल वाली फॉर्म ले रखी है ये बेसिकली ज़रूरी नहीं दूसरा मोनोसैकेराइड हो, वो कोई अल्कोहल भी हो सकती है ग्लाइकोसाइड बनाने के लिए। अगर हेमी एसीटाल ग्लूकोज का है तो हम उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाइड। ग्लाइकोसाइड में ग्लूकोज से बनने वाला ग्लूकोसाइड, गैलेक्टोज से बनने वाला गैलेक्टोसाइड। हम ये देख लेते हैं कैसे, और जो ग्लाइकोसाइड है ये बेसिकली नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल ग्लाइकोसाइड का है ओबेन। ओबेन क्या करता है, ये ओबेन सोडियम पोटाशियम पंप की जो एंजाइम्स होती हैं उसके एक्शन को इनहिबिट करता है। दूसरा एक और बहुत कॉमन ग्लाइकोसाइड है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शुगर एसिड। शुगर एसिड्स जो होते हैं, मतलब एसिड बनना मोनोसैकेराइड का एसिडिक फॉर्म होना, इसमें क्या होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है अगर फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाए और वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो क्या बन जाता है, एल्डोनिक एसिड। ग्लूकोज का क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। बट जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनकी चॉइस होती है, वो ज़रूरी नहीं अपने एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करके एसिडिक फॉर्म बनाएं, ठीक है। तो वैसे सबसे कॉमन एल्डोनिक एसिड एल एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी इज़ अ शुगर एसिड जो एक एल्डोनिक एसिड वाली फॉर्म होती है। एल्डोजेस सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। अगर सबसे लास्ट वाला CH2OH वाला सिक्स कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं हो रहा है, तब उस केस में क्या बनता है, यूरोनिक एसिड बनता है। इसमें ग्लूकोज का बनेगा तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड बनेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप और लास्ट वाला दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो वो बनेगा एल्डोरिक एसिड। तो एल्डोरिक एसिड में हम ग्लूकोज का क्या बोलेंगे, ग्लाइकेरिक एसिड। तो बेसिकली हमारे पास में शुगर एसिड थ्री फॉर्म्स के हो सकते हैं, एल्डोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड एंड एल्डोरिक एसिड। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और सिक्स कार्बन पे CH2OH प्रेजेंट है। अब अगर इसके फर्स्ट कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जगह कार्बोक्सिल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बन गया कौन सा एसिड, एल्डोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनिक एसिड। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट कार्बन पे सिक्स कार्बन पे ऑक्सीडेशन हुआ है, फर्स्ट पे नहीं हुआ है, तो वो यूरोनिक एसिड बना, वो बना डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। लेकिन फर्स्ट और लास्ट दोनों पे ऑक्सीडेशन हो गया तो वो एल्डेरिक एसिड बना और इसको हम बोलते हैं डी ग्लाइकेरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल्स क्या होती हैं, इनमें क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डोज का या कीटोज का उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जगह OH ग्रुप लगा दो तो ऐसे जो होगी पूरे जगह OH होगा। हम पहले ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, अब वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जगह भी OH आ जाएगा तो ये सिर्फ अल्कोहल हो जाएंगे, इसलिए इनको एल्डिटॉल्स बोलते हैं। ग्लूकोज और ज़ाइलोज ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनाते हैं, ग्लूकोज से बनने वाली को सॉर्बिटॉल बोलते हैं और ज़ाइलोज से बनने वाली को ज़ाइलिटॉल बोलते हैं। शुगर अल्कोहल कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाती हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये डायग्राम हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो डी ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉर्बिटॉल में, क्योंकि जो CHO उसका फंक्शनल ग्रुप है वो भी रिड्यूस हो रहा है OH के अंदर। अमीनो शुगर्स, अमीनो शुगर का मतलब अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा डेफिनेटली,
जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है शुगर के अंदर वो रिप्लेस हो जाता है अमीनो ग्रुप से या एसिटाइल अमीनो ग्रुप से। ये अमीनो शुगर्स बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कंपाउंड में मिलते हैं जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं या ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। जैसे ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा इसलिए कहा है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे आप देख रहे हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमने हमने यहाँ पे देखा सेकंड कार्बन पे अगर अमाइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज अमीन, हाइड्रोक्सिल इज रिप्लेस्ड बाय अमीन ग्रुप। और यहीं सेकंड कार्बन पे आप एसिटाइल अमीन लगाते हो तो ये बन जाएगा एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोज अमीन, और ये किसके मोनोमर्स होते हैं, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स के। नाउ डाइसैकेराइड हम स्टार्ट करते हैं। डाई का मतलब दो शुगर यूनिट्स बाउंडेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक डाइसैकेराइड में दो शुगर यूनिट्स होते हैं जो ओ लिंक्ड होती हैं, ऑक्सीजन लिंक्ड होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो डाइसैकेराइड होते हैं इसमें दो शुगर यूनिट्स ग्लाइकोसाइड फॉर्म करती हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूजुअली फर्स्ट कार्बन के बीच में बनता है एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बनता है, ये प्रेफरेंस है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अगर हमें नेम करना हो तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में नेम करते हैं। हम कॉमन देख लेते हैं यहाँ पे सुक्रोज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR नेट में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये किन दो चीज़ों से मिला के बना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सुक्रोज अगर हम देखें ये दो मोनोमर्स का बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ आप देख रहे हो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल, तो अल्फा डी क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे था इसलिए अल्फा पोजीशन पे था, लेकिन सुक्रोज में आप देखो बीटा पोजीशन पे था। फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ था, नीचे की डायरेक्शन में था। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बॉन्ड बना है और हम कन्वेंशन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट। तो यहाँ ग्लूकोज में अल्फा वन और टू बीटा फ्रक्टोज, लिंकेज क्या हो गई, वन टू लिंकेज हो गई, अल्फा वन टू लिंकेज बोलते हैं, अल्फा वन टू बीटा लिंकेज नहीं बोलते हैं, हम पहला वाला ही साइन यूज़ करते हैं, तो अल्फा वन टू लिंकेज इसमें मेंशन करते हैं। माल्टोज को देख लेते हैं, माल्टोज जो डाइसैकेराइड है दो ग्लूकोज से बना हुआ हुआ है, तो दोनों ही ग्लूकोज अल्फा वाली फॉर्म में, और यहाँ आप बहुत क्लियरली देख रहे हो 1,4 लिंकेज है। माल्टोज के बाद में लैक्टोज देख लेते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिला के बना हुआ होता है, लेकिन लैक्टोज में पहले गैलेक्टोज होता है पीछे ग्लूकोज होता है, ये आपको याद रखना है। पहले पोजिशन पे गैलेक्टोज होता है फिर नेक्स्ट पोजीशन पे ग्लूकोज होता है, इसलिए लिंकेज बीटा 1,4 कहलाएगा, अल्फा 1,4 नहीं कहलाएगा, अल्फा 4,1 लिंकेज नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है तो बीटा 1, और ग्लूकोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे वो नीचे की डायरेक्शन में है, फर्स्ट कार्बन दैट साइड में है, राइट साइड में है, तो इसीलिए यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेजेस में देखने को मिलती है। ट्री हैलोज देख लेते हैं, ये भी ग्लूकोज के ही मोनोमर्स हैं, यहाँ अल्फा 1,1 लिंकेज है, अल्फा फर्स्ट कार्बन और इसका भी अल्फा फर्स्ट कार्बन के बीच में लिंकेज है। ट्री हैलोज मेजर सर्कुलेटरी शुगर है इंसेक्ट के हार्ट में मिलने वाली। सेलोबायोज देख लेते हैं, सेलोबायोज में लिंकेज होती है बीटा 1,4, ये भी ग्लूकोज के ही है, तो बीटा और 1,4 लिंकेज होती है इसमें, और ये सेल्युलोज का डाइमर है। जब सेल्युलोज डाइजेस्ट किया जाता है तो जो डाइमरिक फॉर्म ऑब्टेन होती है दैट इज सेलोबायोज। जेंटियोबायोज, जेंटियोबायोज में भी ग्लूकोज के ही हैं बट बीटा 1,6 लिंकेज है, तो दो ग्लूकोज के सब यूनिट्स बीटा 1,6 लिंकेज को प्रेफर कर रही है। ये प्लांट के ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट होता है और कुछ पॉलीसेकेराइड में भी प्रेजेंट होता है जेंटियोबायोज। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है। सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, मतलब जो हमारी लाइट थी उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करती थी। कितना रोटेट, जब भी राइट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है तो उस प्लस साइन लगाते हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन में होती है तो माइनस साइन लगाते हैं। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है सुक्रोज, प्लस 66.5 डिग्री। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, हाइड्रोलाइज करोगे तो वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन होती है प्लस 53 डिग्री और फ्रक्टोज की होती है माइनस 92 डिग्री। माइनस 92 क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब आप माइनस 92 और प्लस 53 देखोगे तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, माइनस 92 की। तो यही एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, क्योंकि फ्रक्टोज की ज़्यादा है स्पेसिफिक रोटेशन, नेगेटिव ज़्यादा है, तो जो हमारा सोल्यूशन ऑब्टेन होगा वो लीवो रोटेटरी मिक्सचर ऑब्टेन होगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो इसकी वजह से अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो सुक्रोज, सपोज एक टेस्ट ट्यूब में आपने सुक्रोज ले रखी थी, वो प्लेन पोलराइज लाइट को पहले
डेक्स्ट्रो रोटेशन दे रही थी, लेकिन उसी को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे, टेस्ट ट्यूब नहीं बदली है, सेम टेस्ट ट्यूब को में अगर आपने सुक्रोज हाइड्रोलाइज कर ली, तो अब जो रोटेशन होगी वो लीवो रोटेशन होगी। तो ये जो चेंज होता है इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उसी को हम इन्वर्ट शुगर या इन्वर्टेस कहते हैं। तो ये इस सेकेंड पार्ट में हमने देखा है मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव एंड डाइसेकेराइड। पार्ट थर्ड में हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।